करते हो तो आपका झमेला खत्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ गुड हैबिट्स बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन को सही कर लेते हो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हार्ट इंक्रीज करने में। अगर आप दिन का स्टार्ट सही कर लेते हो तो आपका पूरा दिन सही जाएगा। एंड अगर आपका पूरा दिन सही जाएगा आपका हार्ट इंक्रीज चुटकी में होगा। जिस तरीके से क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हार्ट इंक्रीज करने के लिए मॉर्निंग रूटीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आज जो गुड हैबिट्स आपको बताऊंगा, ये सारे गुड हैबिट्स मैंने खुद फॉलो किया था एंड इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। मैंने अपना हार्ट इंक्रीज किया, मैंने एक साल में 10 इंच हाइट गेन किया था। एंड अगर आप इस सारे टिप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो, वीडियो को लास्ट देखते हो, अगर आप पूरा नॉलेज नहीं लेंगे तो आप अधूरा नॉलेज से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपके हाथ में है। अगर आप नॉलेज लेंगे आपको फ़ायदा होगा, अगर आप वीडियो को थोड़ा दिक्कत छोड़ देंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा एंड नुकसान दोनों आपके हाथ में है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप फ़ायदा चाहते हो, एंड अगर आप नुकसान चाहते हो तो मत देखना, वो आपके हाथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज अभी मैं डेली हार्ट के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपका हार्ट इंक्रीज हो। एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना ताकि जब भी मैं हार्ट के ऊपर वीडियो रिलीज करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। पहले टिप्स जो आपको फॉलो करना है दैट इज़ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने खुद इस प्रिंसिपल को फॉलो किया था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। एंड उसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे सोने से पहले आपको मोबाइल फोन्स यूज़ नहीं करना है। एंड आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं जैसे क्रिकेट फुटबॉल। उससे क्या होगा, आप टायर्ड हो जाएंगे। एंड अगर आप टायर्ड हो जाएंगे तो आपको जल्दी नींद आएगा एंड स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, बिकॉज आपका हाइट तभी इंक्रीज होता है जब आप सोते हो। एंड सोते टाइम आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिससे आपको हार्ट इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सेकेंड टिप्स जिसे आपको फॉलो करना है इज़ टू ड्रिंक 2 glasses ऑफ लेमन वाटर। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पानी पीते हो आपका बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगा। एंड हाइट इंक्रीज करने के लिए आपको हमेशा बॉडी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा आपका सिस्टम उतना अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। एंड जब आप पानी में नींबू मिक्स करते हो, नींबू में क्या रहता है, विटामिन सी रहता है, जिससे क्या होगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। एंड जितना स्ट्रांग आपका इम्यूनिटी रहेगा आपका हाइट उतना तेजी ग्रो होगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमेशा सर्दी जुकाम ये वो होते रहेगा, आपका बॉडी उसको ठीक करने में लगे रहेगा, आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग नींबू पानी पीने से क्या होता जानते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। एंड अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है आप कुछ भी खाना खाएंगे जल्दी हजम होगा, आपको पेट के इश्यूज नहीं होगा। थर्ड मॉर्निंग हैबिट दैट यू शुड फॉलो इज टू डू स्ट्रेचिंग। हार्ट इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो आपके बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है। एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा आपका हार्ट इंक्रीज उतना तेज़ी से होगा। साथ ही साथ जब आप स्ट्रेचिंग करते हो आप इंजरी फ्री रहते हो। एंड हार्ट इंक्रीज करने के लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, आपका जॉइंट्स आपका मसल्स तैयार हो जाता है वर्कआउट करने के लिए। तो स्ट्रेचिंग करने का बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन इसे एक्सरसाइज से पहले करना है एंड एक्सरसाइज से बाद करना है। फोर्थ टिप्स जिसे आपको फॉलो करना है इज टू डू वर्कआउट अर्ली मॉर्निंग। आपको एक्सरसाइज करना है, कितना करना है, 30 मिनट से 1 घंटा। एंड आप एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट, आई विल रिकमेंड यू टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड और क्या कर सकते हो उसके साथ साथ, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हो जैसे क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल, या आप रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो एक्सेट्रा। एंड जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा आपको हार्ट इंक्रीज करने में उतना ज़्यादा हेल्प होगा। एंड आजकल के बच्चे ज़्यादा वर्कआउट करते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते नहीं हैं, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं या मोबाइल पर कोई सीरियल देखते हैं या कुछ और कुछ करते हैं, जिसके कारण से उनका हार्ट ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। एंड इस चीज़ को आपको सुधारना है, आपको ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना है।
एंड जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे आपका बॉडी उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको यहाँ से अनलिमिटेड फायदा मिलने वाला है। एंड इसको आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। एंड अर्ली मॉर्निंग अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपका झमेला ख़त्म, आपने सबसे टफ जॉब को जल्दी ख़त्म कर लिया है, तो पूरा दिन आप रिलैक्स होकर बाकी काम कर सकते हैं। एंड अगर आप बाद में करेंगे तो फिर आपके दिमाग में रह जाएगा कि अभी भी एक्सरसाइज करना है, बॉडी में उतना एनर्जी है नहीं। एंड मॉर्निंग में क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल हाई रहता है, एंड इसीलिए अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो आपके ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसे अपने मॉर्निंग हैबिट में जरूर इंक्लूड करना यार। एंड अगर आप सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपका बॉडी ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो पाएगा। एंड मुझे पता है कि एक्सरसाइज करने कितना फ़ायदा है। एंड अगर आपको पता नहीं है कि क्या एक्सरसाइज करना है, मैंने वर्कआउट पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया है, आप वो सारे वीडियोस को फॉलो करिए, वहाँ सीखिए, करिए, करना पड़ेगा। अगर आप लेजी रहेंगे फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना होगा, मोटिवेटेड रहना है, एंड सोचना है कि आज से करना है तो करना है, जब तक नहीं करेंगे इसको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई वर्कआउट करो, बहुत हेल्प होगा। अगर आपका हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा तो आज ही से वर्कआउट करना स्टार्ट करो। एंड अगर आप इसको सही से कर लेते हैं फिर तो चुटकी में आपका हार्ट इंक्रीज होगा। फिफ्थ टिप्स जिसे आपको फॉलो करना है, इज टू गेट अर्ली सनलाइट। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, अर्ली सन रेज लेंगे, तो आप जानते हैं इसका कितना फ़ायदा है। यहाँ से आपको वाइटामिन डी मिलता है जो हेल्प करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जैसे एसेंशियल मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। एंड अर्ली सनबाथ लेने से आपका बोन स्ट्रांग होगा। अगर आपका बोन्स वीक रहेगा तो आपका हार्ट इंक्रीज कैसे होगा। एंड अर्ली सनलाइट लेने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो समझ सकते हैं कि सुबह उठकर जल्दी सनलाइट लेने का कितना ज़्यादा फायदा है। एंड अगर आप लेट में उठेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। बाद में उठेंगे फिर बाद में आप सनराइज लेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। सुबह उठकर जो आप सनराइज लेंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इसे आपको जरूर करना है। मतलब क्या करना है, जल्दी उठना है, सनराइज लेना है, लेट में मत उठो यार, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। हेल्दी हैबिट्स कुछ लाना जरूरी है। अगर बैड हैबिट्स रहेगा तो कैसे आपको मिलेगा, हार्ट इंक्रीज कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट जिसे आपको फॉलो करना है, इज टू टेक अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइट प्लेज 70% रोल इन हार्ट इंक्रीज। अगर आपका सब कुछ सही है एंड आपका डाइट खराब है, आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। एंड अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, आपके हार्ट में बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। एंड ये गलती मैंने भी किया था, एंड जब मैंने इसको ठीक कर लिया तो हार्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अर्ली मॉर्निंग आपको ब्रेकफास्ट करना है एंड न्यूट्रिशियस फूड्स कंज्यूम करना है। तो क्या कंज्यूम करना है, आप ओट्स कंज्यूम कर सकते हैं, रोटी, ब्राउन ब्रेड, साथ ही साथ आप प्रोटीन के लिए आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। सुबह उठकर तो आप चिकन विकन नहीं खाएंगे, अगर खा सकते तो बहुत बढ़िया, तो आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क, सोया चंक्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। साथ ही साथ आप पनीर, दही, आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ इंक्लूड करते हैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, आपको बहुत हेल्प होगा। तो ब्रेकफास्ट को सही करो, एंड अगर ब्रेकफास्ट सही रहेगा तो आप बाकी मील्स भी सही तरीके से ले पाएंगे। स्किप मत करना। सुबह उठकर आपको ज़्यादा नखड़ा नहीं करना है। आप लोग नखड़ा करते हैं, मैंने भी किया था कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे मैगी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ब्रेड जैम चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। फ़ायदा नहीं होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मत भूलना, बिकॉज इसमें एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो जब भी आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखना है, आपको वाइटामिन्स का ध्यान रखना है, मिनरल्स का ध्यान रखना है, फाइबर का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको वाटर इंटेक सही करना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इससे आपको हेल्प होगा, ज़्यादा नखड़ा नहीं करना है कि मुझे वो खाना है, सही चीज़ खाना है जो आपके न्यूट्रिशियस है। टेस्ट के पीछे कभी मत भागना। अगर आप हर मील्स सही तरीके से लेते हो, डेली आपको
कम से कम 5 से 6 मील कंज्यूम करना है। तो ब्रेकफास्ट क्या हो रहा है, 1 मील हो रहा है, बाकी आपको और 4-5 मील लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आप बाकी मील्स में सही तरीके से ले नहीं पाएंगे। भूखा पेट नहीं रहना है, जितना भूखे रहेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा हानिकारक है, आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। एंड जिस दिन आप ये सब सही तरीके से करेंगे उस दिन से आपका हार्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, 1 साल मेहनत करो, सही तरीके से करके देखो, देखो कितना रिजल्ट मिलता है आपको। मैंने किया एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड अगर आप इस तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियोस पाना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। एंड अगर आप लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना हैबिट सही करना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल को फॉलो करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखना। सो आई होप आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो भाई बुरा मत मानना, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा कमेंट आता है कि सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। तो आप लोग कमेंट करना, एंड अगर मुझे लगता कि इस कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल, प्लीज़ बाय, टेक केयर।